बुरा विद्यार्थी का। अब यू देखो भैया, बाराबंकी जिले के बगल में राजधानी लखनऊ पर जाते हैं, यहाँ पर बगदा एक स्कूल में द्वि दिवसीय वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें फिल्मी जगत के सितारे रजा मुराद जी आए थे। और बढ़िया देखो क्या कह रहे थे अपने बारे में, भैया बचपन की थोड़ी बहुत कहानी सुना रहे थे कि देखो हम तो ऐसे स्टूडेंट रहन की पूछो ना, तनिक सुनो क्या कहते हैं। स्कूल टाइम का आपको अभी तक याद हो जो आप हम लोग से साझा करें? हाँ, मुझे एक बात याद है, मैं इतना बुरा विद्यार्थी था। एक बार इंस्पेक्शन के लिए सुपरिंटेंडेंट आ रहे थे तो मेरी टीचर ने कहा कि कल आप मत आइए, हम वैसे ही आपकी प्रेजेंट लगा देंगे, आप कल घर में ही रहिए। तो ये मेरी रेपुटेशन थी, अच्छा मैं स्टूडेंट था, मुझे स्कूल आने की इजाज़त नहीं थी। जिस दिन सुपरिंटेंडेंट आ रहे थे कि कहीं उन्होंने अगर मुझसे कोई सवाल कर लिया तो हो सकता है कि बात जो है स्कूल की रेपुटेशन पर आ जाए या कोई गुस्ताखी ना हो जाए आपसे। नहीं, गुस्ताखी की बात नहीं थी, मैं कोई और शरारती नहीं था। अब बात पूरी कसम निकाली है। अब राजा मुराद जी की बातें सुनिए आपने भैया। बाराबंकी जिले के बगले में राजधानी लखनऊ पर जाते हुए पर आए थे बढ़िया एक स्कूल में वार्षिक उत्सव में शामिल होने के लिए और अपनी बचपन की कुछ कहानियां सुना रहे थे। हम गलत तो नहीं आपको बता दी, बाकी आपकी कार्यक्रम की जगह दूसरा खबर देख ली था। अब बाराबंकी जिले में फिर से भैया देखा तो धर्म परिवर्तन जैसा मामला सामने आ रहा है। अब पुलिस अधिकारियों को सूचना मिली कि देखो साहब ऐसा है, जहांगीराबाद थाना क्षेत्र का मड़वा गांव पर जाते हैं, यहां पर ग्रामीणों का बहलाया फुसलाया करके कुछ जने जो हैं दूसरा धर्म मावे खातिर कहा था और प्रार्थना वार्थना भी करावत रहे, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिलती है। पुलिस आती है भैया मौके पर पूछताछ करती है तो ग्रामीण बतावत है कि हाँ भैया हम लोग तो भोले भाले हैं, हम लोगों का ये लोग बहलाए फुसलाए कोशिश करते रहे और दूसरा धर्म मावे खातिर कहा रहे, तो तमाम तरह की बातें सत्य पाई जाती है। जिसके बाद देखा तो पुलिस अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जाती है, कुछ लोगों का हिरासत में भी लिया हुआ है और मामले बाराबंकी जिले की सीओसीटी वीनू मैडम दे रही थी। सुनो मैं क्या कह रही थी, जहांगीराबाद थाने का मड़वा गांव पड़ता है राजगरा मजरे का, तो वहां पे सूचना कल मिली थी दोपहर में कि दो व्यक्ति जो पास्टर उनका कहते हैं ईसाई धर्म के, तो वो उन लोगों के द्वारा गांव की महिलाओं को बहला फुसला करके धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, जिसकी सूचना पर मैं थाना स्थानीय फोर्स के साथ पहुँची थी। सूचना सही पाई गई थी और उसमें मुकदमा पंजीकृत करा गया। हाँ, दो लोग हैं उसमें, एक कासगंज का है और एक माती देवा का है, योगेश और सुजीत नाम के दो व्यक्ति गिरफ्तार हुए। अब इनमें से किसी का लिंक उस वाले केस से तो नहीं है अभी तक, ऐसा कुछ निकल के बाद? अभी तो FIR लिखा गया तो उसमें इस तरह चीज़ें नहीं आई हैं, बाकी चीज़ों का CDR वगैरह से एनालिसिस करके जो तथ्य आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अब बाराबंकी जिले की सीओसीटी मैडम बीनू सिंह जी की बात है तो आपने सुने ली भैया, पर सोचे वाली बात है कि बाराबंकी जिले में लगातार इतन के मामले सामने आ रहे हैं, क्या ही बताएं, बताओ धर्म परिवर्तन जैसा खेल चल रहा। अरे भगवान जी का जौन धर्म में पैदा करी से वही धर्म में ठीक है, और का भैया ये सब परिवर्तन करना कोई ठीक बात नहीं। बाकी आपकी कार्यक्रम कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर डालो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शर्मा साहजी की वर्षी पर मिलेगी तो बेल आइकन जरूर दबा देना। बाकी बाराबंकी के जहांगीराबाद के लिए अखिलेश दास की रिपोर्ट।